हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के दिशा क्लासेस को ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज मैं आपके सामने एनसीईआरटी मैथ्स का 6.5 का पार्ट 4 लेकर आया हूं। इससे पहले मैं 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूं, जिसमें आपको चौथे क्वेश्चन तक सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपके सभी सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज हम 6.5 करेंगे। 6.5 का जो हमारे पास चौथा पार्ट है, उसमें क्वेश्चन नंबर 5वां हम शुरुआत करते हैं। देखिएगा, 5वें क्वेश्चन में क्या दिया है, निरपेक्ष उच्चतम मान या निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करो। पहले के जो क्वेश्चन आ रहे थे उनमें हमें fx बराबर ऐसा कुछ फंक्शन तो दिया था, लेकिन इससे इसका अंतराल नहीं दिया था। इससे पहले के पार्ट जरूर देखिए, तो ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, हमारे पास पहले क्या दिया था, केवल हमारे पास फंक्शन दिया था, कोई अंतराल नहीं दिया था। तो हम कैसे करते थे, हम fx का अवकलन करते थे, इक्वल टू जीरो करते थे, डबल अवकलन करते थे और फिर हम चेक करते थे। यहां पर थोड़ा सा अलग पार्ट है, लेकिन देखिएगा बिल्कुल समझ में आएगा अगर ये क्वेश्चन पूरा देखेंगे तो। तो देखिएगा, जब भी हमारे पास अंतराल दे दिया जाए तो भी हमारे पास शुरू की दो स्टेप है वो तो वैसी की वैसी हैं, कि अगर हमें कभी भी अगर उच्चतम मान या निम्नतम मान ज्ञात करना हो तो हमारे पास दिए गए फंक्शन का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही कर लेते हैं, हल करके जो भी हमारे पास फंक्शन दिया है fx बराबर x³। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हर एक बार आपको वही करना है। केवल यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा देखेंगे थोड़ा सा करने पर। देखिएगा, अगर हमें कभी भी उच्चतम या निम्नतम निकालना है तो हमें अवकलन करना पड़ेगा, और उच्चतम या निम्नतम के लिए f(x) बराबर 0 होता है। ठीक है, तो fx का जो अवकलन होगा वो हो जाएगा f(x), और x³ का अवकलन में एक स्टेप में लिख देता हूँ यहाँ पर, कि इसका अवकलन आपको इस तरीके से करना है dx के सापेक्ष। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, f(x), x³ का अवकलन हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी, हमारे पास f(x) आ चुका है, पहली चीज ये हुई। अब देखिए, उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए सदैव f(x) जो होता है वो 0 होता है। मैंने पहले पार्ट जरूर देखिएगा ताकि आपको उच्चतम और निम्नतम का पूरा बेसिक्स पता चल जाए, फिर आपको डायरेक्टली केवल क्वेश्चन करने की आवश्यकता रहे। ठीक है, बस इसमें लिख देंगे उच्चतम और निम्नतम ज्ञात करने के लिए, निम्नतम ज्ञात करने के लिए। प्लीज ये पूरा प्रश्न देखना, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा अलग है पहले वाले क्वेश्चन से। निम्नतम ज्ञात करने के लिए, तो पहला पार्ट तो वही है, एक्स का मान आएगा, लेकिन बाद में क्या करना ध्यान दीजिएगा, हमेशा f(x) इज इक्वल टू 0 होता है। f(x) की जगह जो भी हमारे पास वैल्यू आई आप चाहे तो वो रख सकते हैं। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए 3/2 में जाएगा, 0 हो जाएगा, x² बराबर 0, तो x बराबर भी क्या आ गया हमारे पास 0, x का मान क्या आ गया 0। तो हमारे पास एक मान आ रहा है x का मान 0, एक मान आ रहा है माइनस का 2। देखिएगा क्या दे रखा है इधर, क्लोज ब्रेकेट अगर आपके पास हो तो आपको कुछ नहीं करना है, ना डबल अवकलन करना है, ना कुछ भी नहीं करना, आपको डायरेक्टली एक टेबल बनानी है जिसमें एक बार -2 रखना है, एक बार 2 रखना है, एक बार 0 रखना है। ये तीनों मान रखने पर हमारे पास जिस पर अधिकतम मान आएगा हम बोल देंगे उस पर उच्चतम है, और जिस पर कम मान आएगा उस पर बोल देंगे निम्नतम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अर्थात या भले अब इधर एक टेबल बनानी है जिसमें लिखना है एक तरफ तो एक्स का मान, और एक तरफ लिखना है आपको fx का मान, जो भी हमारे पास fx दिया है। fx क्या है हमारे पास, यहां पर x³ है, तो x³ का मान जहां पर हमको चेक करना है। प्लीज ध्यान से देखिएगा ये टेबल जो मैं बना रहा हूं। ठीक है, तो देखिएगा x का मान हमने रखा, x का मान आप चाहे तो जो ये आई वो रख सकते हैं या ऊपर से रख सकते हैं। तो देखिएगा, हमेशा ये दो मान तो ये रखने पड़ेंगे क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है, और जो भी एक मान आए यहां पर, दो मान आए, सभी रखना है आपको। ठीक है, तो x बराबर -2 पर, तो देखिएगा -2 पर रखूंगा तो x की जगह -2 रखा, -2 का जो क्यूब होता है वो होता है -8। क्लियर है, x बराबर आपने क्या रखा आपकी बार 2 रखा, तो f(2) पर। इसमें कोई पैटर्न का कोई ऐसा नहीं कि -2 के बाद 0 रखना है या 2 रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तीन वैल्यू आपके पास है, दो वैल्यू हमेशा ऊपर है और एक वैल्यू या दो वैल्यू नीचे से हमारे पास आएगी, बहुत सारी बार तीन वैल्यू भी आएगी, तो बस वो रखकर चेक करना है। 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, और x बराबर 0, x बराबर 0 पर हमने रखा, तो यहां पर आया 0 का क्यूब क्या आ रहा 0। देखिएगा ये टेबल पूरी तरीके से, इस तरीके से इसको क्लोज कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। यहां पर हमको देखना है कि क्या उच्चतम मान आ रहा है, तो देखिए इन तीनों में उच्चतम मान क्या दिख रहा है आपको 8, तो इसका उच्चतम मान 8 होगा,
निम्नतम मान क्या दिख रहा है आपको? -8, तो इसका निम्नतम मान -8 होगा। तो आपके दिमाग में आता है सर हम तो डायरेक्टली कर सकते थे ना ये दोनों मान रखकर, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इन दोनों पर ही आएगा, क्योंकि बहुत सारी बार ये जो वैल्यू है ये भी आपको देखिए आगे वाले क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि कैसे ये वैल्यू भी मैटर करती। जैसे यहाँ पर जीरो की जगह कोई दूसरा मान आ जाता, जीरो की जगह बाई चांस कोई दूसरा मान आ जाता और आप उसको अगर कैलकुलेट करते, जीरो की जगह अगर कोई दूसरा मान आ जाता उसको कैलकुलेट करते और इधर बाई चांस आपके पास माइनस का 10 आ जाता तो आपका मान जो न्यूनतम होता वो माइनस का 10 होता। यहां पर इन दोनों ने दे दिया, जो भी देगा हमको कोई दिक्कत नहीं, बस यहां पर लिख देना है अर्थात, बस मैं यहां पर आप स्वयं लिख सकते हैं अर्थात एफ एक्स का उच्चतम मान क्या होगा बताओ। ऊपर से देखकर इस टेबल में देखना है बस, उच्चतम मान +8 होगा और एफ एक्स का निम्नतम मान आपको लिखना है -8 होगा। ये हमारा आंसर हो चुका है, क्लियर बात है। इसके चार पार्ट में मैं चारों ही पार्ट इस वीडियो में बनाकर बताऊंगा और आपको आराम से समझना है और स्वयं अपने स्तर पर क्वेश्चन करना है तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। ओके क्लियर हुआ ये, अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, हमारे पास अंतराल दे रखा है 0 से पाई के बीच में, सेम टू सेम हमको उसी तरीके से करना है कि किस तरीके से हमने पहले किया था। ध्यान से देखते देखिए इसका मान क्या आता है, सेम एज एफ डैश एक्स करेंगे हम, उसको 0 करेंगे, वहां से जो वैल्यू आएगा एक वैल्यू 0 है एक वैल्यू पाई है, और अगर एक वैल्यू आता है तो रखेंगे, अगर दो वैल्यू आता है तो रखेंगे, टेबल बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पैटर्न फॉलो करना है अपने को, सभी क्वेश्चन में हम वही करने वाले हैं। सबसे पहला काम, जो भी हमारे पास एफ एक्स दिया है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जरूर देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा आईएमपी है, जो साइन एक्स प्लस कोस एक्स वाला थोड़ा आईएमपी है, क्योंकि इसके जैसे तीन क्वेश्चन दिए हैं मैंने पहले भी, इससे पहले क्वेश्चन ऐसा करा चुका हूं, एक क्वेश्चन इसके बाद में भी आने वाला है और इसकी वैल्यू को याद भी रखना है, एक ऑब्जेक्टिव भी बनता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, प्लीज ध्यान से देखिएगा। तो एफ डैश एक्स और यहां पर इसका आपको अवकलन कर लेना है, डी ऑफ डी एक्स किसका करना है आपको, साइन एक्स धन कोस एक्स का आपको अवकलन। ठीक है, तो देखिएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स, और कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स। पहली चीज हमारे पास अवकलन हो चुका है, जो भी अवकलन हो उसके बराबर में क्या रखेंगे, 0, क्योंकि अगर हमें उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब उच्चतम या निम्नतम ज्ञात करने के लिए, उच्चतम या निम्नतम ज्ञात करने के लिए, सदैव निम्नतम ज्ञात करने के लिए, ये हमेशा हम यही लिखते हैं और सदैव यही चल रहा है, हमारे पास जो भी एफ एक्स होता है वो इक्वल में 0 रखा जाता है। ये क्यों रखा जाता है पहले पार्ट में बताया है, जरूर देखिएगा, हमने एफ एक्स की जगह यहां से वैल्यू रख ली, ध्यान दीजिएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, ध्यान से देखिएगा माइनस का साइन एक्स उधर गया तो बराबर प्लस का साइन एक्स। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए साइन एक्स कहां जा रहा है, बटे में जा रहा है, तो इधर बचा मेरे पास 1 बराबर टेन एक्स हो जाएगा, देखिएगा कोस एक्स का मैंने इधर भाग दे दिया तो क्या आ जाएगा, साइन बटे कोस हमारे पास 10 हो जाएगा, टेन एक्स बराबर 1 आ रहा है। अब हमारे पास अंतराल दे रखा है 0 से पाई और टेन एक्स 1 कब होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टेन एक्स बराबर 1 कब होता है 0 से पाई के बीच में, देखिएगा 0 से पाई मतलब 0 से 180 डिग्री, ये दिमाग के अंदर लगाइएगा। अब 0 से 180 डिग्री मतलब 90 से 180 के बीच में तो 10 माइनस का होता है तो इसमें तो हो ही नहीं सकता, और अगर आपको 10 का याद है 0 से 90 के बीच में 45 डिग्री पर 10 क्या होता था 1 होता था, तो आपको केवल 1 की जगह लिख देना है 10 पाई बाय 4 पर ये जो होता है वो क्या होता है 1 होता है। ये इंप्लाइज करके मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, एक 10 से 10 उड़ाना नहीं, उड़ गया दोनों तरफ इनवर्स लेना पड़ेगा, एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 4, एक्स का मान क्या आ चुका है पाई बाय 4, वही काम जो पहले किया था टेबल बनाएंगे, लेकिन प्लीज जुड़े रहिएगा क्योंकि टेबल में यहां पर आपको मान नहीं बता होगा तो वो मैं बताने वाला हूं। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, अब करके हमें टेबल बना देनी है, एक तरफ हमको लिख देना है एक्स का मान और एक तरफ हमको लिख देना है एफ एक्स का मान, जो एफ एक्स है हमारे पास वो क्या है, साइन एक्स धन कोस एक्स है, साइन एक्स धन cos x, समझ में आ रही बात। ठीक है, हम fx के मान तीन हमारे पास आए हैं, 0 है पाई है और पाई बाय 4 है, तो x बराबर सबसे पहले मैं 0 रखता हूं, देखिएगा f0 बराबर sin 0 धन cos 0,
साइन जीरो का मान होता है जीरो, अब आगे लिखिएगा अगर आपके पास जगह हो तो, कोस जीरो का मान होता है वन, मतलब इसका मान आ रहा है सबसे पहला तो हमारे पास वन। क्लियर बात है, देखिएगा आपको पता होना चाहिए साइन जीरो का मान जीरो होता है, कोस जीरो का मान वन होता है। दूसरा हमने रखा एक्स बराबर इक्वल क्या है हमारे पास पाई, देखिएगा थोड़ा ध्यान से पाई, तो यहां पर हमारे पास आया है साइन पाई क्योंकि एक्स की जगह रखना है प्लस कोस पाई। अब ध्यान दीजिए यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, जीरो पर पाई पर टू पाई पर थ्री पाई पर फोर पाई पर जितने भी पाई हो केवल पाई हो तो साइन का मान सदैव जीरो होता है, ठीक है तो साइन का मान जीरो। और कोस पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है माइनस वन, कोस जीरो का वैल्यू होता है प्लस का वन, कोस पाई का वैल्यू होता है माइनस वन, फिर से 360 पर प्लस का वन, फिर अगर अगले पाई पर माइनस वन, इस तरीके से चलता है। तो कोस 180 डिग्री का होता है माइनस वन, जैसे कुछ बातें अगर अपने को ऐसे पता चलती है तो उनको कहीं पर भी साइड में लिख लेना चाहिए, अगर हमको नहीं पता है तो कोस पाई का वैल्यू क्या होता है माइनस वन, ठीक है तो यहां पर जीरो और माइनस वन को जोड़ा हमने क्या है माइनस वन। तीसरा हमारे पास क्या है एक्स बराबर पाई बाय फोर, पर ध्यान दीजिएगा एक्स बराबर पाई बाय फोर, आप थोड़ा टेबल अपनी कॉपी में बड़ा बनाकर इसको सामने लिख सकते हैं, ठीक है एफ पाई बाय फोर, पाई बाय फोर आपको यहां पर रखना है केवल साइन पाई बाय फोर धन कोस एक्स की जगह में क्या रख दिया आपने पाई बाय फोर, बस इसको कैलकुलेट करना है। साइन पाई बाय फोर मतलब साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 और कोस 45 वैल्यू का भी वैल्यू होता है 1/√2। अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा देखिएगा 1+1 2/√2 और अगर रूट टू से ऊपर वाले को काटोगे या हर का परिमेयकरण करोगे जो भी करोगे आप कैलकुलेट करोगे आपके पास वैल्यू आएगा रूट टू, तो आपके पास तीन वैल्यू आ रही है। देखिएगा प्लीज इस टेबल को क्लोज कर दीजिएगा, पूरा आप अपनी लैंग्वेज जरूर लिखिएगा, मैं यहां पर डायरेक्ट बता देता हूं आपको ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाए। ध्यान दीजिएगा हमारे पास यहाँ तीन वैल्यू आ रही है, एक आ रहा है प्लस का वन, एक आ रहा है माइनस का वन और एक आ रहा है टू, तो यहां पर देखने पर पता चल रहा है सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन है, तो देखिएगा माइनस वन तो यहां पर साफ पता चल रहा है सबसे मिनिमम है क्योंकि माइनस का मान आ रहा है, तो इसका न्यूनतम मान क्या होगा माइनस वन। अब इसका उच्चतम मान क्या होता है तो बहुत सारे को दिमाग में ये करने के बाद भी आ जाता है वन होता है, नहीं रूट टू का जो वैल्यू होता है रूट टू का वैल्यू होता है 1.414, तो देखिएगा रूट टू बड़ा है या वन बड़ा है, रूट टू 1 point something है तो ऑब्वियस बात है रूट टू बड़ा है, तो ध्यान दीजिएगा तो यहां पर बस आपको लिख देना है अर्थात fx बराबर sin x धन cos x का निरपेक्ष उच्चतम मान रूट टू होगा तथा निरपेक्ष निम्नतम मान माइनस वन होगा। तो आपको समझ में आया यहां पर इसका भी काम है, ऐसा जरूरी नहीं केवल अंतराल में शुरू से लेकर आखिरी तक आपको मान रखना है। क्लियर बात हुई यहां तक, समझ में आ गया होगा, बस एक लाइन आपको लिख देनी है, सिंपल सी बात है। और प्लीज इसको नोट करके जरूर लिखिएगा, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है sin x धन cos x का उच्चतम मान कितना होता है, तो प्लीज याद रखिएगा रूट टू होता है। साइन एक्स देन कोस एक्स का निम्नतम मान कितना होता है, तो निम्नतम माइनस वन नहीं होता है, यहां जरूर है जीरो से पाई के बीच में जरूर है, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे इसका निम्नतम मान माइनस का रूट टू आएगा अगर अंतराल को बढ़ा दिया जाए। अभी फिलहाल एक नंबर का ऑब्जेक्टिव ये जरूर क्लियर कर देगा कि अंतराल कितना ही बढ़ा दो इसका अधिकतम मान सदैव रूट टू आएगा और निम्नतम सदैव माइनस का रूट टू आएगा, लेकिन उसको बाद में करेंगे। यहां पर अंतराल के अनुसार तो ये आ रहा है, तो ये हमने लिखा। इस प्रश्न का उत्तर क्या है, एफएक्स का न्यूनतम मान माइनस वन और उच्चतम मान रूट टू होगा। क्लियर हुआ आपका, समझ में आया। पहले वाले क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, इतना करने के बाद भी हम हमारे पास टेबल नहीं करते थे, हम दूसरे तरीके से करते थे, लेकिन यहां पर बड़ा आसान सा बात है, दो वैल्यू हमारे पास हमेशा दी होगी और आपको f'(x=0) करके एक वैल्यू यहां से मिलेगी और आपको बस सिंपल सी बात है टेबल बनानी। समझ में आ गया होगा आशा करता हूं। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कहना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन में दोनों ही साथ में लेकर आया हूं आपके, क्योंकि मैं इन दोनों को पूरा नहीं बताऊंगा, ये दोनों आप जरूर करिएगा, अगर नहीं बने तो आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर लिखकर भेजिएगा तो मैं आपको ये भी सोल्यूशन करके बता दूंगा। सेम टू सेम हमने जो पहले किया वही काम करना है, मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं उसमें क्या क्या करना है। हमारे पास एफएक्स दिया है, सबसे पहला काम हम एफडेशएक्स करेंगे, f(x) देखिएगा 4x का क्या आएगा केवल 4 और ये 2 अगर आगे आ जाता देखिए 2/2 × x तो हमारे पास एक्चुअली में आ रहा है ध्यान दीजिएगा 4 - x क्या आ रहा है f(x) प्लीज ध्यान से देखिएगा
हम यही करते हैं, मैं स्टेप टू स्टेप बता रहा हूँ, केवल आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ इस तरीके से करना है, आपको स्वयं करना है तीसरा और चौथा, और अगर नहीं बने तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा। अब यहां से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू अगली स्टेप में आपको क्या करना है, जीरो, तो यहां से आपके पास आ जाएगा एक्स का वैल्यू चार। अब आपको एक वैल्यू तो माइनस टू रख देना है इसके अंदर, एक वैल्यू नौ बटे दो रख देना है इसके अंदर, और एक वैल्यू चार रख देना है इसके अंदर। तीनों वैल्यू रखकर जो भी मान आए आप डिसाइड कर सकते हैं, जो सबसे ज्यादा होगा वो उच्चतम है, जो सबसे कम होगा वो निम्नतम। सिंपल बात। इसमें भी देखिएगा, इसका अगर आप एफ डैश एक्स करेंगे ध्यान दीजिए, तो देखिएगा कोष्टक का स्क्वायर क्या होता है, वही चेन रूल लगकर टू एक्स माइनस वन, घात आगे आ जाएगी इसकी, घात टू माइनस वन एक हो जाए, और अंदर देखिए क्या लिखा है, एक्स का अवकलन होता है वन और वन का अवकलन होता है जीरो, तो इनको लिखो तो भी चलेगा नहीं, और तीन का अवकलन होता है जीरो। क्लियर बात है। तो अगर इसको बराबर में देखिएगा, इसको अगर सही से लिखा जाए तो हमारे पास आ रहा है कुल मिला के टू एक्स माइनस वन, क्योंकि देखिए वन का गुणा करूंगा कोई मतलब नहीं। इसके बराबर में अगर आप जीरो करोगे अगली स्टेप में, जो हम पहले स्टेप फॉलो कर रहे थे, तो देखिएगा क्या आएगा, देखिएगा ये टू बटे में चला जाएगा एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो एक्स इक्वल टू वन। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, इसमें एक बार क्या रखना है एक्स की जगह माइनस थी, एक बार रखना है एक्स की जगह वन, और एक बार रखना है एक्स की जगह, देखिएगा यहां पर क्या वन आ रहा है, और इसमें भी दे रखा है अंतराल शायद वन ही दे रखा है, हाँ वन ही दे रखा है, यहां पर चिंता वाली बात ही नहीं है, आपको केवल दो ही वैल्यू रखनी माइनस तीन और वन, और दोनों ही वैल्यू रखने पर जो भी आपके पास मान है, जो कम मान होगा वो निम्नतम मान, और जो अधिकतम मान होगा वो उच्चतम मान, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे। और अगर प्लीज अगर नहीं बने तो जरूर मुझे कमेंट में लिखकर भेजे ताकि मैं आपको बताऊं, और इसके अदर अगर अलावा भी कोई भी आपका जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू। जरूर।